पाकिस्तान के बुजुर्ग तरीन शायर जनाब रफीयुद्दीन जट्टी कुरैशी साहब, जिन्होंने 27 नातिया दीवान लिखे हैं और नात की महफिलें उनकी जिंदगी है और नात की महफिलें ही उनकी रूह का सहारा है। और वो खुद फरमाते हैं कि मुझसे आम जिंदगी में बोला नहीं जाता सही तरीके से, लेकिन जब नात की महफिल में आते हैं तो रवा दवा बोलते हैं और फर फर बोलने लग जाते हैं। आप उनसे सवाल भी पूछेंगे और वो अपना बयान भी करेंगे, ज्यादा खिताब भी फरमाएंगे और नातिया शार भी अता फरमाएंगे। तलफ़ुज़ के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं और उन्हें आजकल के नात जो शायरों और नात खानों के जो तलफ़ुज़ हैं जो बहुत गलत हैं उन पर बहुत ज़्यादा त्राद है। तशरीफ़ लाते हैं जनाब रफीयुद्दीन जट्टी कुरैशी साहब। आप का खुद कर बना दिया सफा मेरे ये जमात चलाएगा जाके फजूल बातों में गुजरते झूठ होता गीबतें करता क्या कुछ करता यहाँ आके तो स्वाब मुसाब का हकदार हो गया। इन्होंने मेरे बारे में राजस्थान में मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया ना आपके दो साल इनके जवाब आते हैं उनसे नस्बत है वरना जकी कुछ नहीं उनसे नस्बत है वरना जकी कुछ नहीं इसका फन कुछ नहीं शायरी कुछ नहीं उनसे नस्बत है वरना जकी कुछ नहीं इसका फन कुछ नहीं शायरी कुछ नहीं। मेरी नातों में जितनी दिलकशी है मेरी नातों में जितनी दिलकशी है इनायत सब की सब सरकार की है। मेरी नातों में जितनी दिलकशी है मधा वो रब है खैरुल अनाम आपका कुर्सियों के भी लब पर है नाम आपका मधा को रब है खैरुल अनाम आपका कुर्सियों के भी लब पर है नाम आपका। या नबी मुझको भी ऐसी तौफीक हो मैं कसीदा लिखूं सुखो शाम आपका। या नबी मुझको भी ऐसी तौफीक हो मैं कसीदा लिखूं सुखो शाम आपका। आया मार मेहता से साबित हुआ आया मार मेहता से साबित हुआ आपका हाथ बेशक है दस्ते खुदा आया मार मेहता से साबित हुआ आपका हाथ बेशक है दस्ते खुदा राज ये भी वमा जंतिकों से खुला है कलामे खुदा ही कलाम आया मार मेहता से साबित हुआ आपका हाथ बेशक है दस्ते खुदा राज ये भी वमा जंतिकों से खुला है कलामे खुदा ही कलाम। आने वाहिद में कुरान नाजिल हुआ कौन सा कुरान नाजिल हुआ वो आ जाएगा आने वाहिद में कुरान नाजिल हुआ आपके पांव पर जब बरम आ गया आने वाहिद में कुरान नाजिल हुआ आपके पांव पर जब बरम आ गया रब ताला ने कब ये गवारा किया मेरे आका वो शब्बर कयाम आपका। आने वाहिद में कुरान नाजिल हुआ आपके पांव पर जब बरम आ गया रब ताला ने कब ये गवारा किया मेरे आका वो शब्बर कयाम आपका। हुस्न में आपका कोई सानी नहीं हुस्न में आपका कोई सानी नहीं खालुखत आपके दिल नशी हुस्न में आपका कोई सानी नहीं खालुखत आपके दिल नशी गुफ्तगु आपकी गुलफशां रोशनी रोशनी इब्तिसाम इब्तिसाम कहाँ जाता है वो रात को सुई जो खोके अंधेरा हो गया हम मुस्कुराते थे तो दांतों से आप गुजरे किधर से भी या मुस्तफा हो गई है मुअत्तर उधर की खुदा करके महसूस खुशबू ये सब ने कहा मौजे बागे जिना है हराम
संगे असरत की काबे में तंसी पर जब कबाइल के माबहन ठनने लगी वाह वाह संगे असरत की काबे में तंसी पर जब कबाइल के माबहन ठनने लगी शब्बादा शब्बादा आपका मशवरा मरहबा मरहबा इत्तमा वाह 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 बहुत अच्छे संगे असरत की बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है जब कबाइल के माबहन ठनने लगी माशाल्लाह जिसने जो कुछ भी मांगा जिस मींस एनी कोटी जो कुछ भी मांगा एनी कोटी कसे बाचे दो सुनकर बैली जानसान जानी जानकर बैली जिसने जो कुछ भी मांगा उसे वो दिया जिसने जो कुछ भी मांगा उसे वो दिया और अपनों का भी खाली दामन भरा जिसने जो कुछ भी मांगा उसे और अपनों का भी खाली दामन भरा मोजकी पर भी सरकार लुथो आता क्योंकि ये भी है अदना गुलाम जिसने जो कुछ भी मांगा था मोजकी पर भी सरकार क्योंकि ये भी अदना गुलाम आए हबीबे रब्बे पर जाग उठा दुनिया का मुकद्दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिमटा सिमटा शब का अंधेरा फैला फैला सुबह का मंजर सुबह का मंजर मैं बताता हूँ बच्चे बैठे हैं आप समझते हैं बच्चे बैठे सुबह का मंजर कहाँ तक फैला भी है यही शाम के मोहल्ला तक शाम के मोहल्ला तक सुभान अल्लाह मक्का शरीफ में बैठे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह फरज में नहीं हूं पर मैंने उस की रोशनी में शाम के मोहल्ला के अल्लाह माशाल्लाह आए हबीब पे जान उठता दुनिया का मुकद्दस सिंका सिंका शब का अंधेरा फैला फैला सुबह का मंजर उनका उनका रुतबा मैं कहता हूँ उनका मनसब मैं कहता हूँ मैंने जब ये लिखा अल्लाह ने मेरा कान रोड़ दिया लिखा बे तारीफ कर घुटने टेकता है मेरे महबूब की बात है तारीफ कर ये क्या है मैं कहता हूँ क्या कहता है उसने कहा नहीं तारीफ होनी चाहिए वाह तो फिर कलम ने लिखा रब ने लिखवाया उनका रुतबा सुभान अल्लाह उनका मनसब अल्लाह हू अकबर उनका मनसब सुभान अल्लाह उनका उनका रुतबा सुभान अल्लाह उनका मनसब अल्लाह हू अकबर जिनके लिए रब ने फरमाया इन्ना आतैना का उनका रुतबा सुभान अल्लाह उनका मनसब अल्लाह हू अकबर जिनके लिए रब ने फरमाया इन्ना आतैना का उनकी आमद जाल हको उनकी आमद जाल हको उनकी बेअसत जहतल बातिल उनकी आमद जाल हको उनकी बेअसत जहतल बातिल कुफ्र की जुल्मत दूर हुई है दी का उजाला पहला घर घर दी का उजाला पहला घर घर अल्लाह उनके उनके हाथ से उस चश्मे टूटे पांच जितनी उंगलियां जगे तबूत का वाक्य उनके हाथ से चश्मे टूटे उनका बाल है बाईस से नुसरत इसकी तशरीफ पूछनी है जो हजरत उनके हाथ से चश्मे टूटे उनका बाल है बाईस से नुसरत उनके लुआबे दहन में शिफा है उनका पसीना मुश्क से पड़कर है
پڑھ کر اس مائی سے پوچھئے جس کے گھر میں پسینے آتے پہنچا, اس کا بھارت اس کی بیٹی پروڈیوسر تھی کے وقت لگایا گیا. میں کوئی اس کے سسرال والے پریشان ہو گئے, بیوی یہ اتنی قیمتی خوشبو اور لکھتا ہے کیا, کیا تک بات پہنچی تب مجھے لکھا ہے لڑکی کی سات کتوں سے خوشبو اور اس خاتون کا جو گھر تھا معروف ہو گیا, مشہور ہو گیا. میں نے اس مائی کے گھر جانا جس وہ جس کا گھر خوشبو والے گھر کے نام یہ ہے ان کا پسینہ مشکل لب سکی کے ایک نواب اور لب سکی کے ایک نواب ہے, شام و سحر بس ایک دعا ہے, یا رب سایہ گنبد یا رب چل پائے شام یارب جلوائے روزہ ہے تب یارب سایہ گنبد اکثر سجے جب پر پلک پر ایک مدینہ, ہاتھ کہتا ہوں عطا ہو جب مجھے ایسا مدینہ. سجے جب پر پلک پر ایک مدینہ, ہاتھ کہتا ہوں عطا ہو جب مجھے ایسا مدینہ. ہاتھ کہتا ہوں میرے چاروں طرف بہتا ہے رنگ و نور کا دریا, میرے چاروں طرف بہتا ہے رنگ و نور کا دریا, خیالوں میں سمایا ہے مدینہ. یہ مجھ پر محسن انسانیت کا خاص احسان ہے, یہ مجھ پر محسن انسانیت کا خاص احسان ہے جو آیا نعت گوئی کا کرینہ. مجھ پر انسانیت کا خاص احسان ہے جو آیا نعت گوئی کا کرینہ. نظر شہید نہیں کچھ پاس سرمایا, پہ نظر چہرے دوراں نہیں کچھ پاس سرمایا, سجا کر اچھے حسرت کا سفینہ. پہ نظر چہرے دوراں نہیں کچھ پاس سرمایا, سجا کر اچھے حسرت کا سفینہ. نہ کہتا ہوں مطلب اس نے اور بھی تھا علی باب حسن حسین ملا ہے ورسائی سینہ پسینہ. علی او کابو حسان و بشیری سے ورسائی سینہ پسینہ. سجے جب پل پل پر سید خجبیر کا مستقل اس لیے خیرات لینے ان کے در پر اور اسی حالت میں یا رب غم نکل جائے.
کرتے ہی بار حمد ہو یا نعت ہو یا منقبت ہو تم کو اور اس کی حالت کی یا رب قبول کر لیا جزاک اللہ کہ آپ نے میری بے سنی آواز میں ایک لڑک ڈرتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.